आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, चौथे दिन माता कूष्मांडा की आराधना की जाती है। शहर के विभिन्न देवालयों के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में जितने भी देवालय हैं, प्रयास है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का कि उन देवालयों के बारे में हम आपको बताएं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की, शक्ति स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्र के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी हल्की और मंद हंसी के कारण, अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए सृष्टि को आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्ट भुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इन देवी का वाहन शिव है और सिंह है, और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांडा कहा जाता है, इसलिए देवी को कूष्मांडा भी कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं के पास है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्त मान्य है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों की इन्हीं का तेज और सभी में व्याप्त है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है, उनकी आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी बहुत कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता कूष्मांडा चौथे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। माता कूष्मांडा के बारे में हमने आपको बताया। नवरात्र के दिन चौथे दिन माता कूष्मांडा के रूप की पूजन होती है, और इनके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। दुर्गा सप्तशती में आदि शक्ति के जिन रूपों का वर्णन है, उसमें कूष्मांडेति चतुर्थकम अर्थात शक्ति स्वरूपा माँ का चौथा स्वरूप कूष्मांडा है, इस बात का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। कूष्मांडा माता के बारे में बहुत सारी बातें आपको पुराणों में मिल जाएंगी। 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी ये कहलाती हैं। इन्हें कुमड़े की बलि सबसे प्रिय है। नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की उपासना भी की जाती है, उपासना ही की जाती है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में बहुत वृद्धि होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता के स्वरूपों के बारे में हमने इसके पूर्व भी आपको विस्तार से आपको बताया, किस तरह से प्रथम दिन पूजा की जाती है, फिर दूसरे दिन किस देवी के किस शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है, तीसरे दिन कब किस स्वरूप की पूजा की जाती है, चौथे दिन किस स्वरूप की पूजा की जाती है, सभी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विभिन्न देवालय हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको भवानी मढ़िया मराही माता के दर्शन आपको कराए। मराही माता आप यहाँ पर देख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शारदेय नवरात्र चल रहा है, और शारदेय नवरात्र में हर जगह आप देख रहे होंगे कि दुर्गा माता के पंडाल लगे हुए हैं। जगह जगह माता की गरबा भी चल रहा है, माता को प्रसन्न करने की एक तरह से उपासना है। गरबे को अश्लीलता ना प्रदान करें,
गरबे में अश्लील परिधान पहनकर अगर कोई आता है तो उसका बहिष्कार करें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी से अपील करती है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी का की उपासना की जाती है और कुष्मांडा देवी बहुत ही कम समय में, बहुत थोड़ी सी भी अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाती हैं। कुष्मांडा माता नवरात्र में चौथे दिन पूजी जाती हैं और कुष्मांडा माता की अगर हम आपको विस्तार से अगर बताएं, हमने आपको बताया कि ये कुष्मांडा माता की कथा जब षष्ठी अष्टस में नहीं थी तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की है। नवरात्र में नौ देवी की पूजा की जाती है और नवरात्र अभी लगातार चल रहा है। 24 तारीख को 24 अक्टूबर तक नवरात्र रहेगा और नवरात्र में नौ देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के बारे में विस्तार से हमने आपको जैसे ही नवरात्र आरंभ हुआ था और हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस किस दिन किस किस देवी की पूजन और आराधना की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवे दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माता महागौरी और नवे दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर ज्योतिर्कलश आपको दिखाई दे रहे होंगे, कलश यहाँ पर रखे हुए हैं और ये इस महामाया मंदिर यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सिद्धपीठ महामाया मंदिर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विभिन्न देवालयों में जहाँ पर भी कलश रखे हुए हैं हमने आपको वो भी दिखाए, माता के विभिन्न स्वरूप भी आपने देखे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साथ बने रहिए। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।